वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। दिस इज वेरी शॉकिंग एंड आई डोंट सी एनी सच प्रेसिडेंट्स इन इंडिया दैट देयर हैज बीन अ गैंग वॉर इन द कोर्ट रूम। वी हैव हर्ड दैट इट हैज हैपेंड इन द कोर्ट्स, इट हैज हैपेंड समटाइम्स इन द विसिनिटी ऑफ द कोर्ट, बट इट हैज नेवर हैपेंड दैट इट इज हैपेंड राइट इन द चेंबर, राइट इन द कोर्ट रूम। दिस इज अ बिग सिक्योरिटी लैप्स एंड इट बिकम्स अ ग्रेव लैप्स व्हेन वी आर टोल्ड दैट द पुलिस ऑलरेडी हैड एन इंफॉर्मेशन दैट देयर कैन बी अ गैंग वॉर एंड इट इज व्हेन By bypassing all the rules and the laws in the rule book, the central government has appointed their favorite officer as the commissioner of police. I think Honorable High Court should take suo motu cognizance of this incident and it should haul up the top officer of Delhi police. Court ke andar aaj hui gang war aur us gang war mein lagbhag 30 se 40 round ki chali hui goliyan aur 2 se 3 logon ki mrityu, ek vakil ka ghayal hona, जज साहब के चैम्बर में इस तरह की वारदात ही दर्शाती कि दिल्ली के अंदर जंगल राज कायम है। और ये बात हम बार बार बोल रहे हैं, दिल्ली के अंदर यदि हम बढ़ते हुए अपराधों की बात करें, 2015 से 2019 के बीच में लगभग 57% अपराधों की बढ़ोतरी हुई। ये अपराध है हत्या, डकैती, लूटपाट, फिरौती जैसे अपराध। महिलाओं के अपराध की हम बात करें जिसमें रेप और हत्या के मामले, 36% की बढ़ोतरी दिल्ली में हुई। लेकिन दिल्ली के ना मुख्यमंत्री बोलते हैं ना देश के गृहमंत्री बोलते हैं, आखिर इस पर जवाब कौन देगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देश के गृहमंत्री और यदि मुख्यमंत्री कोई बात नहीं बोलते हैं तो देश के प्रधानमंत्री का भी निवास इसी दिल्ली में। इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता पूछ रही कि हम कहां सुरक्षित हैं। रोड पे चलता हुआ आम जवान, दिल्ली पुलिस का जवान का यदि मोबाइल छीन लिया जाता है, लूटपाट यदि उसके साथ कर ले जाती है, तो अंदाजा लगाइए आम जनमानस कितना सुरक्षित होगा। इसीलिए आज बड़ा प्रश्न उठता है कि आज दिल्ली के अंदर अपराधियों के लिए ये आराम घर राजधानी बन चुकी है, आज ये अपराधियों के लिए दिल्ली सुरक्षित घर बन चुकी है, तो आम जनमानस कहां जाए। और यदि आम जनमानस सुरक्षित होता तो आए दिन ये जो समाचार पत्रों में हम घटनाएं सुनते हैं, पढ़ते हैं, हत्या, लूटपाट, डकैती, और आज हुआ ये बड़ा हमला कोर्ट के अंदर जो सबसे सुरक्षित स्थान कहा जाता है, उससे भी सरकार संज्ञान नहीं लेती, तो जवाब दे अरविंद केजरीवाल, जवाब दे देश के प्रधानमंत्री। अरे एडवोकेट को बचा लो बेचारी को, हमारा किस में मैडम चलो बंद कर, अरे सर आप उधर चलो उसको में, अरे सर शीशे शीशे मत।